बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। गर्मी और हफ्स का मौसम शुरू हो गया है। बच्चे हों या बड़े, सबको गर्मी दानों का मसला हो रहा है। पित निकल रही है गर्दन पर और स्पेशली कमर पर। जिन बच्चों को पित निकल आती है वो बेचारे सो नहीं पाते, चुभन होती है, तकलीफ़ होती है, दर्द से रोते हैं। और बड़े बच्चे सबको इस मसले से बहुत परेशानी होती है। तो गर्मी दानों से छुटकारे के लिए एक सादा सा आसान देसी घरेलू इलाज आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आपको ये मैं रेमेडी भी सिखा देती हूँ। अगर आपके पास इसको बनाने का टाइम नहीं है तो मैं आपको क्रीम भी बता दूंगी मेडिकेट, आप वो भी लाकर यूज कर सकते हैं। दोनों गर्मी दानों और पित्त पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं। तो पहले मैं आपको होममेड रेमेडी सिखा दूं। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको पहली चीज जो चाहिए वो है डेटोल, और सेकंड जो चीज आपको चाहिए वो है सरसों का तेल। इस तरह की कोई भी खाली बोतल आपने ले लेनी है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। अगर घर वाले सारे और बच्चे पित्त का शिकार हैं गर्मी दानों का, तो आप 50 ml डेटोल ले लें और 50 ml सरसों का तेल ले लें। इक्वल क्वांटिटी रखनी है आपने, किसी भी चीज़ से आप मैयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो एक ढक्कन है यहाँ पर डेटोल का लूँगी, साथ में एक ढक्कन ही मैं इसमें जो है सरसों का ऑयल ले लूंगी। अब इस मिक्सचर को आपने कैप लगाकर और ढक्कन लगाकर इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। मेक श्योर करना है कि दोनों चीज़ों की क्वांटिटी इक्वल हो। जब आप इन दोनों चीज़ों को बॉटल में डालेंगे तो आपने इसको तकरीबन 7 से 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से शेक करना है। तो 7 से 10 मिनट आपको, मैं वीडियो तो नहीं इतनी लंबी बना सकती, मैं 7 से 10 मिनट इसको शेक कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी जो ये लोशन जो तैयार हो गया है इसको आपने किस तरीके से जो है बच्चों के ऊपर और बड़ों के ऊपर दानों पर किस तरीके से आपने अप्लाई कर। 10 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है शेक कर लिया। मैंने क्वांटिटी कम बनाई थी तो इसमें आपको इतनी क्वांटिटी नजर नहीं आ रही। आप 50 ml लेंगे तो ये तकरीबन इतना बन जाएगा, 100 ml आपका लोशन तैयार हो जाएगा। आपने करना ये है कि जब आपका ये लोशन तैयार हो जाए इस तरीके से टैप टैप करके आपने लगा देना है। आपने आराम से रुई की मदद से इस तरीके से आपने लगा देना टैप टैप करके, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है तो आपने रब नहीं करना। आप ये करके देखें, इंशाल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो एक दफ़ा नहीं तो 2 दफ़ा में कम्प्लीटली बच्चों को आराम आ जाता है, बड़ों को आराम आ जाता है, बच्चे सुकून से सोते हैं। तो माए जिनको घर में ये लोशन बनाने का टाइम नहीं है या घर में डेटोल या सरसों का तेल अवेलेबल नहीं है तो उनको भी मैं एक मेडिकेटेड क्रीम बता देती हूँ। इसका नाम है कैलामिक्स वी, और ये लोशन जो है बड़े बच्चे सब यूज़ कर सकते हैं। वो ये क्रीम बाजार से बाय कर लें, किसी अच्छे मेडिकल स्टोर से बाय किया करें, उससे भी बहुत जल्दी बच्चों को फर्क पड़ जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सदका जारिया समझ के मेरी वीडियोस को आगे माओं के साथ शेयर करें ताकि तमाम बच्चों की माओं को इसका फायदा हो सके, तमाम बच्चों को इसका फायदा हो सके। मुझे दे इजाजत, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।